आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल मोनी। पिछले वीडियो में मैंने आपको संडे स्टोरीज के परफ्यूम के बारे में बताया था, जो बस मैंने एक के बारे में बताया था, दूसरे के बारे में मैंने नहीं बताया। तो आज मैं उसी परफ्यूम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डॉग वुड। मिलियन बच्चे हमने अनबॉक्सिंग की थी, तो आज हम इसके बारे में नहीं बताएंगे, आज हम बताएंगे डॉग फूड के बारे में, जो मुझे काफी पसंद भी है। हमें इस परफ्यूम का टेस्टर चेक किया था, जो जब हमने टेस्ट किया इतना अच्छा था, फिर हमें कहा हम अपने मंगवा लेते हैं। तो ये आज का है, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये भी मिलियन बच्चे की तरह काफी अच्छी पैकिंग में आया है। हमेशा की तरह एक तो परफ्यूम आया, उसके साथ एक टेस्टर आता है, ये देख सकते हैं टेस्टर है। ये इनटू द सन का टेस्टर है और इसमें ऑरेंज या ग्रेपफ्रूट की खुशबू शामिल है। अभी हम टेस्टर को करते हैं साइड पे, अब हम इसकी बात करते हैं बोतल की। तो ये जो बोतल है सेम मिलियन वर्ष की है, जैसे मैं बताया था टॉमफोर्ड की, यानी इन्होंने सब की बोतल जितने भी इनके परफ्यूम है सब की बोतल टॉमफोर्ड की परफ्यूम की तरह रखी हुई है। इसकी फ्रेग्रेंस में पेपर, बर्गामोट और ओरिगानो की खुशबू शामिल है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इस फ्रेग्रेंस के इम्प्रेशन की तरफ जाते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है। थोड़ा मिक्स करके फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी खुशबू कैसी है। इसकी तो सच में पेपर, बर्गामोट और ओरिगानो की तरह निकलती है खुशबू। विंटर में इन दोनों परफ्यूम्स की सेलिंग भी बढ़ जाती है और इनकी खुशबू भी काफी अच्छी लगती है लोगों को। अगर गर्मियों की बात करें तो जो सिट्रस परफ्यूम होते हैं उसमें वो अच्छी लगते हैं, और सर्दियों में ये जैसे डॉग फूड हो गया इससे भी अच्छे लगते हैं। फर्स्ट नोट पेपर, बर्गामोट और ओरिगानो की इसकी खुशबू आती है। अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि सच में आती है पेपर, बर्गामोट और ओरिगानो की। इसकी तो सच में वाकई पेपर की इतनी आती है ना, अच्छी लगती है मुझे तो काफी। रियली मैंने भी इसको चेक किया तो सबसे पहले इसकी खुशबू ब्लैक पेपर की तरह आती है। स्पाइसी नोट के बाद जो इसकी खुशबू आती है वो है एम्बर वुड के बाद। मिडल नोट के बाद जो आपकी बेस नोट रहती है जो सबसे ज्यादा रहती है। मिडल नोट के बाद इसकी जो बेस नोट है उसकी खुशबू, मैं तो कंपनी कहती है कि अगर फूड या जिसको आप कहते हैं ऊद वो है। ये जो बेस नोट है ये एंड तक चलती रहती है, जो आपको फील होती रहती है कि ऊद की खुशबू आ रही है। ले भाई जान, अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया, बस लॉन्ग लास्टिंग रहती है तो वो भी मैं आपको डिटेलिंग से बता दूँ। फिलहाल इसका मीडियम है और कंसेंट्रेशन 25% है। 2 से 4 वीक चाहिए इसकी प्रॉपर मैसिनेशन होने के लिए। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे लगा विंटर के लिए बेस्ट परफ्यूम है, आप भी इसको ट्राई करें। आपको पता है कि मैं आपके लिए काफी वीडियोस लाता हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट दें कि मैं आपके लिए और वीडियो लाऊं, जैसे मुझे पता चले कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, आप लोग की वजह से मैं आगे निकला, तो मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाएं जिसके बारे में मैंने काफी और परफ्यूम्स के बारे में बताया जो